सुमित भाई लोग सबक ले लो, सबक ले लो, झूठ बोला जाता है यार। अब दोस्त ऐसे कमीने हो जो दो दो बार बैठे बैठे ले तो घर में झूठ बोलना ही होगा ना फिर। हेलो मेरे चीतो, कैसे हो? वेलकम टू SM गुरु ब्लॉग्स। एंड जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज हम जाएंगे स्ट्रीट फूड की थोड़ा एक्सप्लोरेशन करेंगे, तो यहाँ गाजियाबाद के पास ही इंदिरापुरम नाम की एक जगह है जहाँ पे मुझे पता चला है कि एक विंसर मार्केट है जो कि स्ट्रीट फूड का काफ़ी फेमस मार्केट है। तो हम आज वहीं जाने वाले हैं और देखते हैं, वहाँ जाके एक्सप्लोर करेंगे। कुछ जगह मैं एक बार गया तो हूँ लेकिन मैंने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है, तो एक बार वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट। अभी मेरे कुछ दोस्त भी वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, एक दोस्त को मैं यहीं से उठाऊंगा, एक सोसाइटी से, मेरे बगल वाली सोसाइटी में रहता है, तो उसको उठा के फिर वहाँ से लेके फिर सीधा पहुँचूंगा इंदिरापुरम। दो वहीं पे आएंगे तो वहीं पे बैठ के गप्पे वप्पे मारेंगे और स्ट्रीट फूड भी एक्सप्लोर करेंगे। चलो मिलते हैं वहीं पे। गैराज से निकाल ली है तो बेसिकली अभी हम जा रहे हैं अपने दोस्त की सोसाइटी के पास। हालांकि उससे मैंने बात करी थी, अभी कमीना बोलता है कि देखते हैं आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा तो वहीं पे मेरी एक फ्रेंड भी रहती है, उसको उठा लेंगे। चलो देखते हैं भाइयों, हम आ गए हैं अपने दोस्त की सोसाइटी के बाहर, लेकिन साले ने धोखा दे दिया। बोलता उसे कहीं जाना है मिलने, मुझे मालूम था वो नहीं आएगा, बोलता उसे किसी से मिलने जाना है, मुझे सब समझ में लग रहा हूँ कि भाई कहाँ जाना है मिलने कहाँ नहीं जाना। कोई बात नहीं, अपने पास बैकअप प्लान था ही, मैंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया है, वो जो चाहती होगी, लेकिन पता नहीं कितनी देर लगाएगी यार आने में, कि क्योंकि पता ही है लड़कियों को टाइम लगता है तैयार होने में। सो लेट्स सी, आई एम वेटिंग फॉर दैट। हेलो गाइस, तुमने भी स्टार्ट किया नहीं क्या चैनल? कर दिया मैंने, इंट्रोडक्शन तो कर दिया। हाँ, दे दिया मैंने। और चीतो तो फाइनली मेरी फ्रेंड आ गई है और अभी हम जा रहे हैं इंदिरापुरम में स्ट्रीट फूड जिसका नाम है विंसर मार्केट, है ना? विंसर मार्केट है ना? हाँ। तो बेसिकली अभी सो कॉल्ड मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और वो भी सेकंड टाइम। हाँ, मैंने कहा लगा तो बर्थडे भी सेलिब्रेट कर ही लेते हैं। अब क्या हुआ कि तीन लोग और आ रहे हैं जिसको अभी अंशुल को भी उठाना है रास्ते से, तो अभी उसको भी पिक करते हैं, बाकी दो डायरेक्ट वहीं पहुंचेंगे और फिर खैर इसकी ये शकल दिखाने में अपनी थोड़ी शर्मा सी रही है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बाद में दिखा देना शकल। तो अभी वहां चलते हैं, स्ट्रीट फूड थोड़ा सा देखते हैं, पहले तो अपने दोस्तों से मिलते हैं, फिर स्ट्रीट फूड थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद आपको खाने का एक्सप्लेन करेंगे, रिव्यू देंगे खाने का। हाँ, खाने का थोड़ा बहुत बताएंगे क्योंकि मोस्टली इस चीज में यू नो स्ट्रीट फूड से रिलेटेड ही हम लोग शूट करेंगे। सो हाँ, क्या बात हो गई, आंटी ने क्या बोला? ये बोला गया है कि शादी से पहले आज एक तो आखिरी दिन है जो अपने दोस्तों के साथ। तेरा तो ब्याह भी होने वाला है। तेरा तो ब्याह भी होने वाला है, सही है। सेकंड थिंग इज कि 8:45 तक घर आना है वापस, तो पहुंचने में आधा एक घंटा लग जाएगा यार। अभी अंशुल को देखना कितना टाइम लगेगा तैयार होने में। बोला था ना जल्दी आने के लिए, तो मैं उसी टाइम के हिसाब से आया हूँ। तो तुम्हें जल्दी आना था ना फिर, हमें तो मैंने बोला था 7:30 तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं तो 7:15 से पहले पहुंच गया था। बट मैंने तो 7:30 होने में अभी भी 2 मिनट देख ले टाइम, और हम आधे रास्ते पहुंच गए हैं। तो हम 8:30 तक कैसे आएंगे फिर? 8:30 तक आना क्यों है? क्योंकि मेरे घर वालों ने बोला है। आंटी जी से मैं बात कर लूंगा। नहीं आंटी जी अब सुनेंगी नहीं। आंटी जी किसी दिन लेके आओ उसे भी। किसको? आंटी जी को। आंटी जी को नहीं, देन जिससे ब्याह होने वाला तेरा। नहीं नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको छुपा कर रखूँ, जब तुम लोग सब शादी पे आओ तभी उसको देखो, तो ऐसे एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी ना। एकदम से धप्पा मारेगी, शादी पे होता ना एक्साइटमेंट देखने के। अच्छा, एकदम से धप्पा मारने वाले हैं, फिर तुम्हें लगेगा वाओ ये तो जरा बहुत स्मार्ट है। इसीलिए छुपा रखा क्योंकि बहुत स्मार्ट है। यस एग्जैक्टली। ओहो, हम बेहोश ना हो जाओ उसके स्मार्टनेस देख के। नहीं नहीं वाह, सॉरी ब्रो अगर तू ये देख रहा है तो। चल कोई नहीं, अब पहले वहां तक पहुंचे, वो टाइम से तैयार हो जाए। वैसे मैंने उसको फोन करके बोल दिया था कि तू तैयार रह, कर दिया था फोन कि हम लोग घर से निकल गए, तो तू आ जाओ।
ठीक है फिर तैयारी होगी यार, वो भी देखते हैं उसको पकड़ते हैं। नहीं नहीं कर ले थोड़ी सी और बात कर ले, दो ऑफिस में किसी को बर्थडे है, कैसे झूठ बोल रही है ये? तो ऑफिस के किसी दोस्त का ही तो है बर्थडे, तो हम अगर तेरा सेलिब्रेट करने जा रहे हैं ऑफिस के किसी दोस्त का। मैं अपने बर्थडे पार्टी एज पर सुमित भाई लोग सबक ले लो, सबक ले लो, झूठ बोला जाता है यार। अब दोस्त ऐसे कमीने हो जो दो दो बार बर्थडे पार्टी ले तो घर में झूठ बोलना ही होगा ना फिर। ओ ये बात है, जब अच्छा खासा उस दिन मैं आई थी अपने बर्थडे और इतने अच्छे से मैंने रिकॉर्ड बर्थडे पार्टी पहनकर पार्टी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं जैसे कैमरा ऑन किया ना तुरंत काट दिया इसने फोन में। मैं बता नहीं सकता कितना बड़ा झूठ बोला इसने। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, सिर्फ उसमें छोटी सी एडिटिंग करनी है कि हम लोग बेसिकली इंदिरापुरा में जा रहे हैं और बर्थडे पार्टी ही करने जा रहे हैं। दो चीज तो सही है, ऑफिस में किसी का बर्थडे है। सही है सही है, चल कोई नहीं ब्रो, तू ये चीज जरूर देखना। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं और हमारी फ्रेंड भी आ गई है, मोस्ट अवेटेड फ्रेंड। सबसे ज्यादा यही टाइम लगाती है, सबसे ज्यादा टाइम लगाती है ये तैयार होने में। एक बार तो इसने आधा पौन घंटा लगा दिया, आधे पौन घंटे से खड़े हुए हैं। वो तब लगाया जब हम इससे फोन करके कह के निकले थे कि हम निकल गए तो रेडी रहना, तब भी पहुंचने के बाद आधा एक घंटा इसने लगा दिया। इतना झूठा है ये इंसान, जितने बकवास कर रहा है और ये 8:30 बजे तक मेरे को घर पे छोड़ ही नहीं पाएगा, और उसके बाद जो मेरे घर वाले सुनाएंगे मैं इधर इसी चैनल पे ना रिकॉर्ड करके सुनाऊंगी। अब देखते हैं वो दो पहुंचे कि नहीं पहुंचे, अगर नहीं पहुंचे उनका अलग वेट करो। तो अब चलते हैं गाइस, तो आप लोग तो हमारे साथ ही चैनल पर। ठीक है चलो देखते हैं, तो हम आके आपको अपडेट देते हैं। तो हम पहुंच गए हैं और इस साइड में देख रहा होगा कि ये है वो एरिया जो विंसर मार्केट है, जो कि प्रॉपर स्ट्रीट फूड है, रेस्टोरेंट भी है और काफी अच्छा बताते हैं लोग इसके बारे में। प्लस जैसा कि मैंने कहा था अभी तक आए नहीं, वो दोनों का इंतजार कर रहे हैं हम। तो अब देखो और वो लोग भी 8:30 से पहले आएंगे नहीं? नहीं 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 आ जाएंगे, आ जाएंगे 8:30। अब वो गाड़ी से, गाड़ी में उन्होंने कुछ जुगाड़ रख रखे होंगे। नहीं तो आज नहीं चलेगा दोनों कुछ भी। नहीं नहीं गाड़ी में, गाड़ी में क्या यार, वैसे भी ठीक नहीं है सारी चीजें। अरे ये रे आ गए आ गए आ गए आ गए भाई आ गए, अभी तो आ गए आ गए आ गए। गाइस फाइनली ये लोग चुना चुके हैं, अब हम लोग जल्दी जल्दी जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और वहाँ पर हम आपको चीजें दिखाएंगे। चलो तो बेसिकली हम लोग पहुँच गए विंटर मार्केट, ये है वो जगह और दिखा दो। नहीं तो अभी एक्सप्लोर करना है कि कौन सी जगह बेस्ट है और एक्सप्लोर करके बताते हैं, वहां लेके चलते हैं। बेसिकली हम लोग आए हैं अपनी रसोई में और मतलब किसी नॉन के थ्रू पता चला है कि अपनी रसोई काफी फेमस है यहाँ पे विंसर मार्केट में और काफी टेस्टी फूड रहता है इसका। तो देखते हैं अभी क्या है सीन, और यहाँ पे हैं हम लोग अपने रसोई और बैठे हुए हैं, तो जो भी चीज़ आप ऑर्डर करेंगे उस चीज को आपको दिखाया जाएगा और बताना कैसी लगी। बेसिकली हमारा बर्थडे पार्टी खत्म हो गई, विंसर मार्केट को एक्सप्लोर किया, सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट हमें लगा अपनी रसोई। अपनी रसोई सस्ता बजट में है, बाकी और भी रेस्टोरेंट है काफी अच्छे भी हो सकते हैं लेकिन वो ज्यादा आउट ऑफ बजट हो, लेकिन बजट में सस्ता टिकाऊ और अच्छा और खाना बहुत ही अच्छा था। हाँ खाना बहुत टेस्टी था। हम क्या क्या मंगवाया था हमने, दाल दाल मखनी थी, पनीर थी, कढ़ाई पनीर
और चाप थी। चाप थी, चाप तो बहुत सही थी। चाप लास्ट टाइम जब आया था तो हमने मीठी चाप थी, शायद सफेद कलर की, हाँ मलाई चाप थी, तो वो इतनी अच्छी नहीं थी। नाउ वी टायर्ड ऑफ द मसाला। और हम लोग कुछ एक दो तीन चार पांच लोग 700 के आसपास में निपट गया हमारा सब कुछ। हाँ। और भरपेट खाया हमने, नान दबा के खाया, रोटी दबा के खाई। ठीक है, तो बेसिकली विंसर मार्केट, हाँ तो बेसिकली विंसर मार्केट आओ तो यहाँ जरूर एक्सप्लोर करना, अपनी रसोई जरूर जाना। बाकी उसके बगल में एक खड़क सिंह करके भी है, वो भी अपने बजट में ही है, उसका भी टेस्टी है। लास्ट टाइम मतलब एक बार शायद वहाँ पे भी आए थे, लेकिन पूरा हमने जब जानते नहीं थे ना उसके बारे में। काफी अच्छी है, क्या अच्छी है उसकी वाइब्स अच्छी है। और लाइटिंग साइटिंग और पता अलग ही दिखता है ये मार्केट, तो यहाँ पे आओ तो जरूर जाना। और बेसिकली अपना ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके ओके, बाय बाय।